गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योगेश, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज अपन साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। एक चैप्टर है पूरा, एक्चुअली उसका अपन बेसिक डिस्कस करेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ओके। तो ये समझने वाला चैप्टर है सारा। इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम है, विद्युत, हिंदी में इसको विद्युत बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आप सोचते हो, लाइट जैसे ही आप सोचते हो, जिसको तुम बिजली बोलते हो, लाइट आ गई, लाइट चली गई, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आप नाम सोचते हो, सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाता है? बल्ब पे जाता है आपका। सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है आपका? बल्ब पे गया, फैन पे गया, पंखे पे चला गया, ठीक है, टीवी, फ्रिज, कूलर। आप जैसे ही सोचो लाइट नहीं है, अरे पानी ठंडा नहीं होगा, लाइट नहीं है पंखा नहीं चलेगा, लाइट नहीं है कूलर नहीं चलेगा, लाइट नहीं है मोबाइल चार्ज कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को अपन लाइट बोलते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसी को अपन को आज डिस्कस करना है, इसी को आज अपन को पढ़ना है, ओके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चलती किससे, ये बल्ब जलता किससे, फैन चलता किससे, इसको अपन बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं इसको? करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हिंदी में अपन बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? धारा। अब करंट क्या होती है ये अपन को बताना है। बताओ करंट क्या होती है? करंट आप देख सकते हो क्या? नहीं, करंट नहीं देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हो तुरंत के, हाँ करंट आ रहा है टच करके तुरंत ही, ठीक है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अरे तो बहुत ही ज़्यादा करंट आ रहा है इसमें तो, ठीक। अब करंट क्या है? फ्लो। करंट क्या होता है अपना? करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहना, ठीक है। जो तार होते हैं आपके, तांबे के तार, एल्यूमिनियम के तार आपने देखे होंगे, तो तारों में क्या करंट बहता है? उसमें क्यों बहता है? क्योंकि तारों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, ठीक है। हर धातु में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक। जिसमें धातु में जिस चीज़ में, जैसे लकड़ी हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो आप इसको करंट में लगाओगे, आपको तार नहीं, मतलब करंट लगेगा नहीं आपको इससे, ठीक है, आपको बिजली का झटका नहीं लगने वाला है इससे। तो नहीं लगने वाला मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, गति नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी को करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसकी जगह कोई वायर ले लें अपन, लोहे का कोई सरिया ले लें लोहे, ठीक है, उसको लगाओ आप करंट पे, तो तुरंत ही करंट आपको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आप जैसे ही इसमें वहाँ लगाओगे स्विच में, इसको कहीं पे भी करंट के वायर है वहाँ लगाओगे, तो वहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री हो जाएंगे, मोशन करने लगेंगे और आपको करंट लग जाएगा, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, तो इसलिए जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको बोलते हैं अपन कुचालक, ठीक है, जिसको नॉन कंडक्टर बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में। ये कुचालक होते हैं विद्युत के, और जिसमें करंट लग जाता है, करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं अपन सुचालक, इसको बोलते हैं अपन कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा? विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, उसी इलेक्ट्रॉनों का जो गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मोशन करते हैं, प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों का, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गति क्यों करेंगे? इलेक्ट्रॉन गति इसलिए करेंगे कि उनको एनर्जी मिल रही है। आपने जैसे स्विच में वायर लगाया फैन का, तो फैन का जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन अभी क्या है, वो स्थिर है, अभी गति नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे ही आपने उसको स्विच में लगाया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, मोशन करने लगेंगे स्पीड में, और वो प्लस से माइनस की तरफ मोशन करते हैं, तो वहाँ तक से बिल्कुल एंड तक जाएंगे और आपका फैन बिल्कुल चलने लगेगा। तो ये चल किससे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? अपनी जहाँ से अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी कई तरीके होते हैं, ठीक है, कहीं कोयले जलाकर बिजली प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, और आपका बांध से, जो बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं बड़े बड़े, वहाँ से पानी को नीचे गिराया जाता है, ठीक है। तो नीचे लगी टरबाइन लगी होती है, एक बड़ा सा फ़ैन लगा होता है, उसके ऊपर पानी गिरता है तो फ़ैन चलता है, और जैसे ही फ़ैन चलेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है वहाँ से। फिर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, तो वहाँ से जो बिजली बन रही है उनसे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज निकाल के उनको बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में दौड़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, उसमें से जैसे उनके नीचे से निकलते हैं तो वो कंपन करती हैं, फिर बनाती हैं बहुत ज़्यादा तार, जिसमें करंट, जिसमें क्या बहुत सारा करंट बह रहा है उसमें, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज वाला, तो उनको हज़ारों किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है उन करंट्स को, ठीक है, काबू में करने के लिए दौड़ते हैं। उसके बाद उनको अपने पावर हाउस में भेजा जाता है, वहाँ से फिर
आपको कॉलोनियों में जो डीफी लगा देती हैं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा जाते हैं जहाँ पर लिखा होता है 440 वोल्टेज, तो वो वहाँ पर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से गलियों में खंबे की लाइन अलग से निकलती है, तो वहाँ से फिर 220 वोल्टेज आपको घरों में सप्लाई किया जाता है। अपने घरों में जो लाइट आ रही है उनको 220 वोल्टेज आता है वो घर पर, ठीक है, इंडिया में। तो विद्युत धारा समझ में आया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब विद्युत धारा मापते किसमें, अपन किसमें मापते हैं विद्युत धारा को, इसको अपन एम्पियर में नापते हैं। किसमें? एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं अपन इसको। जैसे मैं बोलूं डबरा से ग्वालियर जाना है तो क्या बोलेंगे, कितने किलोमीटर है, तुरंत निकलेगा ना। आलू चाहिए अपन को भैया, कितने किलोग्राम चाहिए, समझ में आ रहा है। दूध चाहिए, कितने लीटर चाहिए, तो एक किलोग्राम, लीटर, किलोमीटर, ये क्या होती हैं, यूनिट होती हैं इनकी, मात्रक होती हैं, इकाई होती हैं। तो ऐसे ही विद्युत धारा की भी इकाई है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है, एम्पियर। इसमें ये नहीं बोलेंगे हमारे घर में एक किलो लाइट आ गई आज, ठीक है, एक लीटर लाइट आ गई हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है, ठीक। इसको एम्पियर में नापते हैं अपन, ठीक, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। और नापते किससे है अपन, किससे नापते हैं, जैसे गाड़ी में अपना वो लगा होता है स्पीडोमीटर, वहाँ से अपन को पता चल जाता है कि स्पीड कितनी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही एम्पियर जो है, कितने एम्पियर का करंट आपके घर पे आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा है, किससे नापते हैं, ठीक। तो आपको इसको नापते हैं अमीटर से, किससे, अमीटर, इसको इंग्लिश में अमीटर बोलते हैं, हिंदी में अमीटर बोलते हैं, अमीटर से नापते हैं, किससे मापते हैं, अमीटर से, अमीटर से मापते हैं किसको, विद्युत धारा को, किसको, विद्युत धारा को। और एक चीज़ और आपने नाम सुना है वोल्टेज, नाम सुना है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेबलाइजर लगा दो, वोल्टेज कम करना है तो स्टेबलाइजर लगा दो। तो वोल्टेज इसको अपन किससे, देखो विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज को मापते किस में, वोल्ट में, किस में, वोल्ट में मापते हैं। और किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, किससे, वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से अपन मापते हैं। अब ये वोल्ट मीटर क्या है, अमीटर क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे अपन कई टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाएंगे, मोबाइल की शॉप पे जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल को चेक करता है या आपकी टीवी को चेक करता है, तो उसके पास एक पीले कलर का ऐसा बॉक्स होता है, ऐसा पीले कलर का बॉक्स होता है, और यहाँ पे एक डिस्प्ले होती है जिस पे लिखा है, जैसे 3.4 लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिखा होता है यहाँ पे। और वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि यहाँ जो सर्कल है, ये सर्कल है, यहाँ एक स्विच है, इसको अपन गोल गोल घुमाएंगे तो आपके नंबर यहाँ पे क्या बदलते चले जाते हैं, कि आपको वोल्टेज नापना है कि करंट नापना है, तो इससे अपन ये नाप लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग लिखे होते हैं, 5 वोल्ट लिखा है, 10 वोल्ट लिखा है, ठीक है, कहीं पे एक ओम लिखा होता है, 10 ओम लिखा है, 5 ओम लिखा है। तो ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है। और अपने इससे वोल्टेज नाप लेते हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। वोल्टेज भी दो प्रकार के होते हैं आपके, कौन कौन से, एक होता है आपका एसी वोल्टेज, एसी, और दूसरा होता है आपका कौन सा, डीसी, ठीक है, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। अब एसी करंट, डीसी करंट क्या होती है वो अपन को देखने हैं, ठीक है। एक्चुअली एसी वोल्टेज भी आते हैं, डीसी वोल्टेज भी आते हैं, कौन कितने क्या वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक। तो एसी करंट, डीसी करंट, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है। अपने घरों में जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी करंट है अपनी, वो अपनी एसी करंट है। घरों में जो यूज़ करते हैं अपन वो कौन सा करंट है, एसी करंट। और मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी वगैरह हैं, बैटरियों से जितने भी होते हैं बैटरी सेल, जिनसे जितने भी करंट आ रहे हैं जो निकलती है वहाँ से एनर्जी, उसको अपन बोलते हैं डीसी करंट। क्या बोलते हैं अपन उनको, डीसी करंट बोलते हैं अपन, ठीक है। अब वोल्टेज नापते किस में मापते हैं अपन, वोल्ट में, और मापते किस से अपन, वोल्ट मीटर से, ठीक। तो इनको नापने के लिए, मापने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं अपन, एक्चुअली उस डायग्राम से अपन को ये पता चलता है कि इनको कौन सी जगह लगाते हैं, कौन सी जगह नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो जो अमीटर होता है वो भी अपन एक परिपथ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान के चलो कोई सर्किट है यहाँ पे, यहाँ पे एक बैटरी है, एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर वोल्ट मीटर को जोड़ना है तो आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और एमीटर को जोड़ना है तो आप एमीटर कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एमीटर श्रेणी क्रम में ही जुड़ेगा आपका, वोल्ट मीटर आपका समांतर क्रम में जुड़ेगा। ये आपने कोई बैटरी है,
ठीक है, यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपने कोई बल्ब लगा दिया, यहाँ पे ठीक है, बैटरी से आपने जैसे करंट चालू किया बल्ब जल जाएगा आपका, ठीक। तो एमीटर, वोल्टमीटर, इनकी पोजीशन क्या है, किसको अपन कहाँ लगाना है, और विद्युत धारा क्या होती है, इसमें किस में मापते हैं अपन, कौन सी चीज़ से मापते हैं, कौन सा यंत्र होता है वो अपन, कौन सी डिवाइस होती है जिससे अपन ये विद्युत धारा नापते हैं, तो वो इसका क्या है, अमीटर इसका आंसर हो गया। और वोल्टेज किस में नापते हैं अपन, वोल्टमीटर से नापते हैं, इनको कहाँ लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और करंट आपके एसी डीसी टाइप, दो टाइप की करंट होती है, ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्चुअली। एसी करंट का मतलब फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ओके, तो अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, अब अल्टरनेट जैसे अपन बोलते हैं ना, अल्टरनेट काम कर रहे हैं हम, तो अल्टरनेट का मतलब होता है रुक रुक के, फिर कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, ऐसे ही समझते हैं। तो ऐसे ही इसका मतलब होता है, एसी करंट का मतलब होता है। तो एसी करंट जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, एसी करंट का एग्जांपल दूँ आपको, ये कैसे काम करती है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये कोई सर्किट है आपका, ये पॉजिटिव माइनस, यहाँ से बैटरी लगाया आपने, करंट लगाया, मेन सप्लाई लगाई, कहीं से भी लगाई, ये करंट चला गया। करंट कहाँ चलता है, माइनस से प्लस की ओर चलता है, कहाँ चलता है, माइनस से प्लस की ओर चलेगा करंट, ठीक है। यहाँ आपने कोई स्विच लगा दिया, जो भी चलाना हो आपको, जो भी आपको चलाना हो, यहाँ से ये करंट आपका चल रहा है। अब जैसे ही करंट यहाँ तक पहुँचेगा, जैसे ही करंट यहाँ तक पहुँचेगा, ये उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है, उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं आप लोग, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलेंगे वहाँ से, फिर जैसे ही लौट के आएंगे तो एक दूसरे से टकराते हैं, और जैसे ही टकराते हैं तो कुछ टाइम के लिए पावर लॉस हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। ये भी बल्ब चल रहा है आपका, ठीक है, जो भी चला रहे हैं अपन, फैन चला रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए उसमें पावर लॉस हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम समय लग रहा है, बहुत नैनो सेकंड में बहुत ज़्यादा स्पीड में काम होता है, इसलिए अपन को ऐसा आवाज नहीं होता कि बिल्कुल ये बंद और चालू हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है, अपन को तो ऐसा लगता है बिल्कुल ये चल रहा है। तो ये होता है अपना एसी करंट, इसमें पावर का थोड़ा सा लॉस होता है, ठीक है। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जो रेलवे में अपन देखते हैं, रेलवे में जो फैन वगैरह लगे होते हैं, लाइट वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह लगी होती हैं, वो डीसी करंट से ही चलती हैं, ठीक है, आप उनको एसी करंट से नहीं चला सकते, उनके लिए फिर एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए फिर अपन को कन्वर्टर लेके आना पड़ता है। सो जैसे घरों में इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर जैसे, तो बैटरी भी रहती है, इन्वर्टर की क्यों ज़रूरत है, अपन डायरेक्ट बैटरी से चला लो, तो बैटरी क्या है, डीसी करंट से ही चार्ज होती है और डीसी करंट ही देती है, तो डीसी करंट को एसी करंट में बदलने के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए अपन इन्वर्टर वहाँ पर रखते हैं। डीसी करंट का मतलब है अपना डायरेक्ट करंट, क्या करंट है, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट का मतलब डीसी करंट वन वे ट्रांसमिशन होता है इसका, एक ही तरफ चलेगा बस, कैसे चलेगा, एक ही तरफ चलेगा, ये एक ही तरफ चलता है, ठीक है, यहाँ आपको स्विच लगा दिया आपने, जो भी आपको चलाना है, ये एक ही तरफ चलता है, वन वे ट्रांसमिशन होता है, इसलिए एक ही तरफ चलता है, तो दूसरी सबसे आपका इलेक्ट्रॉन रिपीट होते नहीं है, तो वो एक दूसरे से टकराते नहीं है, तो करंट लॉस होता नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो देखते हैं आप, देखते हो लाल तार रहता है, काला तार रहता है, लाल को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब इसमें होल्स रहते हैं, और नेगेटिव का मतलब इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ये बेसिक मैंने आपको साइंस का एक चैप्टर समझाया, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स, इसमें कोई परेशानी है आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी के चैप्टर भी अपन, हर सब्जेक्ट्स के चैप्टर अपन धीरे धीरे चलते रहेंगे। स्मार्ट क्लासेस वाई योगेश सर यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी वीडियोज़ जो रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक। थैंक यू।